चलो आइसक्रीम बनाने के लिए गुस्सा आया, फिर चेक करना पड़ेगा। रसगुल्ला एवरीबॉडी वेलकम बैक हो गया है न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहा है। तो 2:30 बजे जाके मैं ये शूट कर रही हूँ। एंड देखिए अभी मंतव्य बोला, बस उसे मोबाइल लिया ही था तो वो बोला मम्मा मैं पानी पी के आता हूँ तब तक। मैंने कि भाई मेरे लिए भी ले आना एक ग्लास। अभी ना सुबह से जाके मैंने क्या कर लिया है, मैंने सुबह से सारे काम फ्री कर लिए। एंड सबसे पहले तो मंतव्य को छोड़ के आई स्कूल। स्कूल से छोड़ने के बाद मंतव्य के पापा के लिए खाना दिया, वो चले गए खाना वाना खा के। एंड फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि कुछ जो रोटी बच जाती है ना उनके पापा जो खा के नहीं जाते, तो एक दो रोटी से ही हो जाता है मेरा काम, तो बस मैंने वो खा लिए थे। एंड फिर छाछ दे देती है नीचे वाली आंटी, तो बस एक गिलास छाछ ले लेते हैं तो उससे पेट ऐसा भर जाता है, फुल हो जाता है एकदम। तो बस सारे काम करके फिर मैं छाछ पी ली। छाछ पी के तो फिर मैं डायरेक्ट सो गई, नींद आने लग गई मुझे। नींद आई, नींद आने के बाद फिर मैं थैंक यू फिर सो गई थी। सोने के बाद एकदम जगी मैं 12 बजे करीब, 12:30 बज गया था। तो फिर मुझे मैं नहाई, फिर जल्दी से नहाने के बाद मंतव्य को लेके आई। फिर मंतव्य को लेके आने के बाद पानी फैल गया था क्या वहाँ? मंतव्य को स्कूल से लेके आने के बाद फिर मैंने जो उस दिन मावा बनाया था ना, मावा रखा है तो मावा का कुछ बनाना है मुझे। तो बस मैं सोच रही थी कुछ मीठा हो जाएगा खाने के लिए, तो उसके लिए मुझे मैदा भी चाहिए था, मैदा था नहीं घर पे। फिर अभी कल भी सोचा था, परसों सोचा था, पर मंतव्य के पापा को टाइम नहीं मिला, कभी मैं नहीं निकल पाई। तो बस अभी मंतव्य को लेके आई स्कूल से, फिर रास्ते में एक शॉप थी 7 मार्ट करके, उसमें से फिर मैदा लेके आई। मंतव्य 2 ओरियो लेके आया और आइसक्रीम के लिए लेके आया था, और आइसक्रीम तो पता नहीं इसके पेट में ही बन जाएंगी। अब दोनों बिस्किटों को खा लिया, दोनों पैकेट खा लिया। कैसे होता, कैसे होता मुझे पता है सब। एक पैकेट तो मेरे सामने खोल ली थी, बोला मम्मा ये इसको खा लो, मैंने कहा ठीक है एक, मैंने कहा खा ले एक। मतलब थैली में जो सामान दिया था ना उसी पॉलिथीन में रखा हुआ था, और पीछे से छुप छुप के दूसरी वाली भी पैकेट ला के और चुपचाप खाने में बैठ गया मोबाइल देखते देखते। ऐसे पता था मुझे, जब तू छुप छुप के जा रहा था ना तब मैंने देख लिया था तुझे, मैं समझ गई थी मैंने तू बिस्किट लेने ही गया है। पर मैंने कहा चलो आइसक्रीम बनाने के लिए गुस्सा आया, फिर मैंने कहा आइसक्रीम के लिए लेके आया था ना 2 पैकेट। मंतव्य को फिर स्कूल से लाने के बाद मैदा वैदा लाई एंड फिर मंतव्य को खाना खिलाया। तो सुबह कद्दू की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी कच्ची कैरी डाल के। तो मंतव्य को एक रोटी खिला दी सब्जी लगा लगा के, एंड एक गिलास रायता पिला दिया, थोड़ा सा रायता बना लिया था मैंने। एंड अब जाके फिर मैं थोड़ा चेंज किया, मैंने कि चलो फ्रेश तो हूँ, नींद आ नहीं रही, मंतव्य भी थोड़ी हेल्प कर देगा फिर मुझे कुछ मीठा बनाना है तो उसमें, है ना। तो मैंने सिर्फ बर्तनों को और दूध भी गर्म करने नहीं रखा था सुबह, तो फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो अभी रखा है मैंने कि गरम करने रख देती हूँ, फिर मंतव्य के पीने के लिए ठंडा हो जाता है। मम्मी रुको रुको रुको, गुलाब जामुन और रसगुल्ला कैसे बनते हैं? पता नहीं, यूट्यूब पे चेक करना पड़ेगा। रसगुल्ला भी बनाना है। तो ऐसे करके अभी मैं बस जस्ट कर ही रही थी, और यहाँ पे दूध, मतलब गुवाहाटी में तो दूध की प्रॉब्लम ही थी, वहाँ तो पैकेट वाला दूध ही मिलता था। तो
यहाँ पे अच्छा दूध है तो मैं मलाई निकाल लेती हूँ, मतलब मलाई क्या मंतव्य पीता नहीं है, तो वो मलाई क्या फिर भगोनी में चारों साइड लग के फिर वो सब फेंकनी पड़ती है, कोई खाता ही नहीं है, और फिर उसके ऊपर पड़ भी जाती है मलाई, फिर क्या, फिर उसमें दूध में डाल के, मंतव्य के पापा को भी इतना अच्छा नहीं लगता वो मलाई इतनी ज़्यादा, मंतव्य भी तो बिल्कुल ही नहीं पीता मलाई में, मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या मैं वो मलाई निकाल लेती हूँ। लास्ट में जो दूध बचता है ना, दूध ख़त्म हो जाता है तो दूध लेते लेते जो मलाई बच जाती है तो भगवान में ही रह जाती है, तो उसमें से मैं निकाल के जमा कर ली थी। तो मेरा जो एक प्लास्टिक का मैंने वो बाउल किया हुआ था उसमें ही सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, वो भर गया था, तो मैंने कहा इसको चला लेती हूँ, पता तो चले दूध अच्छा है, वैसे पीने में तो अच्छा लग रहा है, मलाई भी अच्छी पड़ रही है, एंड जब चलेगा घी निकलेगा तब और पता चलेगा वाकई में अच्छा है कि नहीं। तो बस उसी को लगने लग रही थी, मैं अभी काम कर, ये देखिए पोछा यहीं छोड़ दिया है मंतव्य ने, जब पानी ला रहा था ना तो पानी थोड़ा सा गिर गया, उससे झलक गया, तो पोछा लगाते लगाते यहीं छोड़ के भाग गया है, हंस रहा है। देखिए दूध मैंने गरम करने रख दिया है इसका, और ये टूट गया, पता नहीं कैसे, मैं देखती हूँ चिपक के लग जाएगा तो यूज हो जाएगा, तो नहीं तो दूसरा नया लाना पड़ेगा। ये हो रहा है दूध, और यहाँ मैंने मिक्सी लगा रखी है, और ये रहा था मलाई इतनी सारी, ये मेरा ये मंतव्य की चॉकलेट्स थी तो उसका डिब्बा था ये, मलाई ये तो ठीक है, ये क्या है, मंतव्य के चॉकलेट्स का डब्बा था, तो इसमें सारी इतनी सारी मलाई मैंने इकट्ठी कर ली थी, कुछ ये आधी वाली इतनी आधी मैंने कुछ इसमें डाल दी, और इसमें ये निकल तो आया है, बस इसको एक साइड एक किसी में निकाल देती हूँ और आराम से निकलेगा फिर बाद में।
उसे हमारे साइडों में कहते हैं लियोनी घी, जो मलाई से बना के बनाते हैं ना इसको लियोनी घी। फिर इसको गर्म करके जो प्योर घी निकलता है वो होता है, जिसको सब लोग यूज करते हैं। ऐसा करने से पता है, ये मैंने नानी को देखा था, नानी करती थी ऐसे। नानी के यहाँ तो बहुत से चलाते थे, वो हाथ से जो छोटी सी रही होती है ना, जिसमें हम लोग रायता वगैरह बनाने के लिए हाथ से घुमा घुमा के बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बड़ी सी थी उनके पास। और फिर उसके नीचे मतलब मिट्टी का मटका रख के उसमें सारी छाछ दही जो जमी होती थी उसको डाल देते थे, फिर उससे रस्सी की हेल्प से उसको बांध देते थे वहीं के वहीं, जो हिले नहीं वो एक खम्भे से, फिर उसको घुमा घुमा कर रही को निकाल देते, फिर वैसे ही करके निकाल देती नानी। मम्मी ये करना जरूरी है क्या? हाँ, इससे पानी निकलता है ना, पानी में एक्स्ट्रा होता है ना, पानी निकलता है। पानी टेस्ट कर, मक्खन जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं। बटर, बटर मच्छर उसका। ये मक्खन मस्त है। इतना पानी निकालना होता है क्या? अगर मम्मी पानी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो जलाते टाइम इसको जब जलाते हैं ना घी बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहले पानी जलेगा फिर बचेगा वो घी, बचेगा फिर पानी, जलने में बहुत टाइम लगेगा। फिर अच्छा भी लगता है काले शर्ट्स पे, अच्छा लग रहा है। गुलाब जामुन नॉर्मली होता है।